गुड न्यूज, फिर से कॉलेज स्टूडेंट का रोल मिल रहा है। हाँ कर तू राजेंद्र, सवाल एक और रोल का नहीं, कुछ नया ट्राई करने का है। तो रॉकी जी, ट्राई पाली जी ओट्स एंड बेरीज, फुल टॉस नूडल मसाला, मोनाको पीरी पीरी, कुछ नया कुछ मॉडर्न। सवाल कुछ न्यू का तो जवाब पार ले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर जो आप सभी जानते हैं, उसके अंदर हार्डबोर्ड कीबोर्ड जो भी होता है वो आपको मालूम है ऑलरेडी। बात करेंगे आज हम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 के लिए, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर्स कब से आना स्टार्ट हुए, 1980-90 से ये बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। उसके पहले जो टेस्टिंग हो रही थी कैसे हो रही थी, वो सभी पेपर और पेंसिल फॉर्मेट में या फिर इस प्रकार से टेस्टिंग होती थी, इसमें टाइम वगैरह ज्यादा लगता था। इन शॉर्ट, पहले जो काम ह्यूमंस कर रहे थे, आज वो काम कौन कर रहा है, आज वो काम कंप्यूटर कर रहा है। तो ह्यूमंस के काम से कंप्यूटर के काम में जो बेनिफिट मिलते हैं वो सभी यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे, ठीक है। बात करेंगे खासतौर पर हम परीक्षण और मूल्यांकन के लिए, यानी कि यहाँ पर असेसमेंट के लिए आपके, और टेस्टिंग के लिए जो हम साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे दो प्रमुख वजह क्या है। टेस्टिंग और असेसमेंट करने के लिए साइकोलॉजी के अंदर दो प्रमुख वजह क्या है यहाँ पर, इसके जरिए क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट न्यू टास्क, ठीक है, नए टास्क हम बना सकते हैं जो हमको करवाना है अपने बच्चों से, ठीक है। ऐसे टास्क जो हम ह्यूमनली नहीं बना सकते, है ना, मानव होते हुए हम इसको नहीं बना सकते ऐसे टास्क। और उसी के साथ साथ ऐसी कुछ मेजरिंग एबिलिटीज भी, ऐसी कुछ मापने की तकनीकें भी हम इसके द्वारा बना सकते हैं जो हम ह्यूमनली नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, मतलब जैसे आप देखिए इसको अगर आपको बोला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 2 1 7 8 5 2 1 3। अब इसको करने में आपको देखिए समय तो लगेगा, हमको भी लगेगा, किसी को भी समय लगेगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उसको, लेकिन बताइए क्या कंप्यूटर को, कैलकुलेटर को इसको करने में समय लगेगा, नहीं लगेगा ना। सेम चीज यहाँ पे आ गई है, क्रिएट न्यू टास्क क्या एग्जांपल है, नया टास्क बनाना और उसके साथ उसको क्या करना है, हमको जो मेजरिंग एबिलिटीज है ऐसी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे कुछ भाग है हमारे शरीर में जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ आपका। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, उसकी एडमिनिस्टर करने में, उसको स्कोरिंग करने में और इंटरप्रेट करने में, ठीक है, उसकी मापनी में, स्कोरिंग करने में, एडमिनिस्टर करने में, उसको लगाने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो इसके जो मुख्य कारण है क्या, कि ऐसी चीजें जो हम ह्यूमनली मानव होने के साथ साथ हम इसको नहीं बना सकते अपने टेस्ट के लिए, ऐसे हम नए टास्क को बनाएंगे, उसी के साथ साथ ऐसी एबिलिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, ऐसी कुछ चीजें जो अपनी नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, किसका इस्तेमाल करते हैं वहां पर आप माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें जो है आप जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई, सोरा, वो सब आ गया है। वो सब क्या है, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो चुटकियों में कर देते हैं। इन शॉर्ट समझ में आ गया आपको, तो क्रिएट न्यू टास्क करना और उसी के साथ साथ जो टेस्टिंग है उसकी स्कोरिंग कैसी होगी, है ना, कौन सी स्केल पे होगा, क्या करना होगा, वो सब आपको कुछ नहीं करना, सारा काम कौन कर देगा, आपका कंप्यूटर कर देगा, ठीक है। तो ये दो प्रमुख चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर इस्तेमाल की शुरुआत कहाँ से होती है, आप जानते हैं एक थ्योरी ग्रीन स्वेट्स की, कौन सी, वो है आपकी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, है ना, हिट फॉल्स अलार्म और वो सब चीजें जो होती है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, या फिर हम बात करें साइकोफिजिक्स में, जहां पर आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है स्टिमुलस से, जो आपका उद्दीपक है उससे, और उसका मानव किस प्रकार से, जो ह्यूमन है किस प्रकार से क्या कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है, उसका जो सेंसेशन है उसके लिए, ठीक है, सेंसेशन के लिए जो करता है साइकोफिजिक्स में देखते हैं ना, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड, यानी कि उद्दीपक को हम कैसे क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते जो है इसका इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऐसे कुछ चीजें थी, ऐसे कुछ टास्क थे, ऐसे कुछ कार्य थे जिसको मानव नहीं कर पा रहा था मेजर, उसको मेजर करने के लिए क्या आया, साइकोफिजिक्स यहाँ पर, सॉरी आपका जो ये कंप्यूटर्स है ये यहाँ पर आए, ठीक है। तो साइकोफिजिकल चीजें और सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, ऐसी जो भी चीजें जहां पर आपका सेंसेशन से मतलब है ह्यूमन के, और उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं था, उसको मेजर करना, उसको मापना पॉसिबल नहीं था, तो हम क्या किया, उसको हमने कंप्यूटर के जरिए, उसको हमने सुविधाजनक रूप से बनाने का प्रयास किया, ठीक है, ओके।
अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है यहां पर, एक चीज आपने सुनी है कई टेस्ट में, आप क्या करते हैं रिएक्शन टाइम, है ना, रिएक्शन टाइम मेजर करना है यहां पर कि कितनी देर में जो है जो आपका पर्सन है उसने कितनी जल्दी रिएक्ट किया, ठीक है, जो कैच पकड़ रहा था 0.6 सेकंड में पकड़ा या 0.006 सेकंड में पकड़ा, ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है बहुत ही माइन्यूट से, बहुत ही कम से डिफरेंसेस हैं, इसको मेजर करने के लिए जो है हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए आपके हाथ में अगर स्टॉप वॉच है, अगर आपके हाथ में स्टॉप वॉच है उसको प्रेस करते में और वो सब जो है अगर 0.12 सेकंड भी चला जा रहा है वहां से आपका जो रीडिंग है तो क्या करेगा वो आपके टेस्टिंग को वहां पर खराब कर सकता है। कंप्यूटर में केवल आपको क्लिक करना है या फिर आजकल तो ऑटोमेटिक जो है जैसे ही परसीव कर लेगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वहां से बंद हो जाएगा, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है, तो रिएक्शन टाइम का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। और एक और चीज है आपको ध्यान रखनी है, नाम वो क्या है, बैकवर्ड मास्किंग टास्क, ना बैकवर्ड यानी पीछे आना, मास्क करना यानी ये है इसके ऊपर कुछ लगा देना, यानी कि क्या करना है मास्क लगाना है हमको, ठीक है, तो बैकवर्ड मास्किंग टास्क यहां से दो चीजें निकल के आती हैं, ठीक है, पहला क्या है रिएक्शन टाइम और बैकवर्ड मास्किंग टास्क का जो है इस्तेमाल करते हैं क्यों, इन दो चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, क्या जानने के लिए, हम जांचने के लिए वहां पर गति यानी स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है, स्पीड मेजरिंग, ठीक है, रिएक्शन टाइम और बैकवर्ड मास्किंग टास्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मेजर करने के लिए किसको, गति को, स्पीड को, ठीक है, उसी के साथ साथ कैपेसिटी को, कितनी ताकत है, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी को, है ना, कितने एफिशिएंटली आपका जो रिजल्ट है वो वहां पर आपको देखने को मिला है, मतलब आपकी जो एफिशिएंसी से कितना आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की है आपने उसकी यहाँ पर बात होती है। तो रिएक्शन टाइम और बैकवर्ड मास्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये दो पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दो पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे क्यों लाए थे इसको, ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और दूसरा क्या था वहां पर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कोरिंग में और इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन टाइम एंड बैकवर्ड मास्किंग टास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछ सकता है आपसे कि कंप्यूटर के अंदर स्पीड, ताकत और एफिशिएंसी जो है आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की या जो व्यक्ति की एफिशिएंसी है इसको मास्क करने, इसको चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रिएक्शन टाइम और बैकवर्ड मास्किंग, ऐसे दो टास्क हमारे पास यहाँ पर होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, ओके ओके। अब आगे चलते हैं, देखिए आपको मालूम है दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल और आपका ग्रुप, ठीक है, तो जितने भी आपके ग्रुप वाले टेस्ट होते हैं ना उसके लिए आप किस प्रकार से स्कोरिंग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर की स्कोरिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आपके पास 50 बच्चे हैं उनका आप टेस्ट ले रहे हैं तो उनका रिजल्ट निकालना कंप्यूटर से आसान होगा या आप अकेले बैठ के 50 का निकालेंगे, बट ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर स्कोरिंग आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर स्कोरिंग इसका कहां पर इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हमको ग्रुप में हमको यहाँ पर एडमिनिस्टर करना हो हमारे टेस्ट को, 50, 100, 200 बच्चों को टेस्ट करा रहे हैं इकट्ठा, सबके रिजल्ट लेके क्या कर देंगे, उसको कंप्यूटर में चिपका देंगे और वहां से हम उसको फटाफट उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए आजकल आपको मालूम है सीडी आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर कंप्यूटर डिस्क इसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये जो सारे बच्चे हैं आपके पास ना आके, मतलब यहाँ देखिए एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये आप हैं, ये आपकी लैब है, ठीक है, और यहाँ पे 50 बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ आए हुए हैं, आपने टेस्ट दिया, एडमिनिस्टर किया, सबका स्कोर कहाँ ले लिया आपने, कंप्यूटर पे आपने ले लिया एक प्रकार से, ठीक है, ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरे में देखिए यहाँ पर ये आप हैं, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और ये जो 50 बच्चे हैं ये भी अपने अपने घर में आराम से बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, आपने क्या दे दिया, इनको सीडी दे दी आपने, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क आपने दे दी इनको, कंप्यूटर डिस्क दे दी, ठीक है, तो क्या करेगा ये अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ के ही क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर स्कोर कर लेंगे, अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ के स्कोर कर लेंगे यहाँ पे, मतलब टेस्ट यहाँ पर इसको दे देंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, अमेरिकन गाइडेंस साइंस का एक टेस्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो आएगा असिस्ट, ठीक है, एक असिस्ट प्रोग्राम है किसका, अमेरिकन गाइडेंस साइंस का, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो यही काम करता है, ठीक है, तो अमेरिकन गाइडेंस साइंस प्रोग्राम द्वारा बनाया हुआ ये असिस्ट प्रोग्राम, अब आपको दिमाग में ख्याल आ रहा होगा असिस्ट है क्या, ये आपका है अल्कोहल, देन ये आपका है स्मोकिंग, फिर ये आपका है सब्सटेंस इन्वॉल्वमेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट,
सिंपल है, असिस्ट क्या है, एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है ऑब्वियसली, मतलब किसने बनाया है, अमेरिकन गाइडेंस साइंस ने। इसको ऑपरेट कौन करता है, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका काम क्या है, असिस्ट किन लोगों के लिए है, अल्कोहल स्मोकिंग सब्सटेंस इन्वॉल्वमेंट, यानी जो ड्रग वगैरह लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो बताइए क्या ये बच्चों के लिए होगा क्या, खुद सोचिए जरा, मतलब यंग एज में भी देखा गया है इसके रिजल्ट, बट अधिकतर किन लोगों के लिए होगा ये, 18 वर्ष से ऊपर के लिए, है ना, कॉमन सी बात है ये। अल्कोहल स्मोकिंग ज्यादा हमको देखने कहाँ मिलेगा, 16 17 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में देखने मिलेगा, यानी कि एडल्ट की बात होगी। ठीक है, आपको मालूम पड़ा यहाँ पर असिस्ट प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, किसने बनाया है, अमेरिकन गाइडेंस प्रोग्राम कुछ तो भी है, गाइडेंस साइंस उसने बनाया है, WHO ऑपरेट करता है। अल्कोहल ये जो है आपका स्मोकिंग सब्सटेंस इन्वॉल्वमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका ये। ठीक है फिर आगे चल के आपके पास आती है नरेटिव कंप्यूटर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नरेटिव यानी कि व्याख्यात्मक, कंप्यूटर आपका जो है संगणक और उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझना। यहां पर आपका और कॉम्प्लेक्स स्टेज पे आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है ना, क्या करेगा, उसके पास ना ऑलरेडी पहले से आपके पास एटीट्यूड के या जो भी आप मेजर कर रहे हैं अपने पर्सनैलिटी के, कुछ ऑलरेडी स्टेटमेंट उसके अंदर सेट होंगे। ठीक है, जो आप आंसर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आप बाद में उसको प्रिंट ले सकते हैं, अपना जो डायग्नोज है उसको आप देख सकते हैं कि मुझे क्या, मतलब क्या मेरा स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर कभी आपने, मतलब अगर कुछ कभी ऑनलाइन आपने IQ टेस्ट वगैरह दिया हो या इस प्रकार से कुछ किया हो आपने, तो आपको आइडिया होगा कि आपका स्कोर आ जाता है बाद में, है ना, आपने किस में क्या मार्क किया था, क्या शो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे है, ठीक है, वो सब क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं आप वहां पर, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में समझ सकते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत वहां पर इंग्लॉट टेस्ट नहीं, क्या है वो, सेंटेंस कंप्लीशन वाला जो है, कभी अगर आपने दिया हो तो वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जहाँ पे वो लोकस ऑफ कंट्रोल की बात होती है ना, वहीं पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि नरेटिव कंप्यूटर इंटरप्रिटेशन के अंदर ये चीजें भी होती हैं एडवांस स्टेज के अंदर। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है आपके स्कोर को, ताकि आप क्या कर सकें, बाद में उसको आप इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कंप्यूटर कितना एडवांस होता जा रहा है। उसी के साथ साथ देखिए इंडिविजुअलाइज्ड इंटरप्रिटेशन भी अभी आ गया है, यानी कि वैयक्तिक इंटरप्रिटेशन भी आपका यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर क्या होगा वो देखिए, आप यहां से रिस्पॉन्स देंगे कुछ, वहां से कंप्यूटर रिस्पॉन्स देगा, यानी कि एक जो होगा इंडिविजुअलाइज्ड इंटरप्रिटेशन होगा, ये कैसा रहेगा, ये आपका इंटरएक्टिव रहेगा। ठीक है, इंटरएक्टिव रहेगा, जो जैसा आप करेंगे उसके आधार पर आप इस कंप्यूटर से एक प्रकार की क्या करेंगे, एक प्रकार की आप बातचीत करेंगे। ठीक है, आपने देखा है ना बॉट जो होते हैं, बॉट, कभी अगर आपने IRCTC से टिकट बुक किया हो अपना, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी एप्लीकेशन खोला हो कोई भी XYZ कंपनी का, तो आप देखेंगे अगर ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है, आप मोबाइल में अगर आप चला रहे हैं इस प्रकार से, तो देखेंगे यहाँ पर आप छोटा सा बना हुआ आता है ना, हेलो मैं आपके असिस्टेंट हूँ, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन में यहाँ पे आता है हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो जो आप बात करते हैं रियल टाइम में, वो क्या है, वो यही है आपका इंडिविजुअलाइज इंटरप्रिटेशन, यानी कि जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप जो है, आपको रिस्पॉन्स वहां से आएगा। तो एक प्रकार से क्या लगता है आपको कि आपका डायलॉग चल रहा है सामने जो कंप्यूटर है उसके साथ में। ठीक है, कभी अगर आपने स्विगी वगैरह से फूड ऑर्डर किया हो, जोमेटो से फूड ऑर्डर किया हो, तो आप कंप्लेंट करते हैं, देन क्या बोलता है, यस नो आई एम हैप्पी आई एम नॉट हैप्पी, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब चीजें क्या है, आपका इंडिविजुअलाइज इंटरप्रिटेशन है। अब इसमें फायदा क्या होता है इंटरेक्टिव इंटरप्रिटेशन का, AI का फायदा क्या होता है, फायदा यहाँ पर ये होता है कि आप जो कर रहे हैं क्या, आपने मतलब ऑलरेडी कंप्यूटर के पास क्या है, स्टेटमेंट है, उनके सही आंसर है, लेकिन आप जिस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे, समझ रहा है, और उसके आधार पर आपको जो है वहां से वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, पहले क्या था कि जो आपने बोला उसके साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्स दे देगा, लेकिन यहाँ पर खुद का भी दिमाग लगा रहा है वो, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वहां पर अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो पर्सनल डेटा वगैरह वो भी ले लेता है, कि मतलब सिंपल सी बात है ना, आप कहीं पर अगर कुछ कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए आप कहीं पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या करता है मॉक टेस्ट लेने वाला, क्या करता है, जो भी आपका मतलब कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप, एक्सपायर्ड कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या लेता है, आपका नाम लेता है, आपका पता लेता है, फोन नंबर लेता है, मोबाइल मतलब OTP लेता है, इस प्रकार की चीजें करता है, कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं आप, या कुछ भी उबर वगैरह डाउनलोड करते हैं आप, तो ये सब चीजें लेता है, आपकी पर्सनल जानकारी लेता है। उसके आधार पर आप, उसने देखा कि आप जो है कहाँ से जा रहे हैं, आप बॉम्बे से यहाँ पे जा रहे हैं, आप कहाँ पे बॉम्बे से जा रहे हैं आप दिल्ली से आप गए कहाँ पर, दिल्ली से आप गए यहाँ पर गाजियाबाद के बाद आप जा रहे हैं कहाँ पर,
आप गए हैं देन मथुरा, यहाँ पर देन मथुरा के बाद कहाँ गए आप, यहाँ से फिर चित्तौड़गढ़ गए और फिर वहां से कहाँ चले गए आप, महाराष्ट्र के पुणे में चले गए, ठीक है। फिर पुणे से आप बॉम्बे गए एंड देन आप यही जो है पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एड वगैरह भी इसी प्रकार से आते हैं, जहां जाते हैं वो प्रकार की चीजें होने लगती है। तो क्यों हो रहा है यहाँ पर, वही चीज आपकी इंटरएक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वो पहले से ही इंटरप्रेट कर ले रहा है कि आप क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, ये तो खैर नॉर्मल बात हो गई, लेकिन जब हम टेस्टिंग में बात करेंगे, असेसमेंट में बात करेंगे, तो क्या करेगा आपके आधार पर, आपकी कैसी स्कूलिंग हुई है, आपकी कैसी पढ़ाई हुई है, उसके आधार पर क्या करेगा आपको, वो वहां से आपको रिजल्ट देगा, ताकि आप अपने बारे में और अच्छे से यहाँ पर समझ पाए। इसका एग्जाम्पल बात करें इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम का, अगर सवाल आएगा तो चिपका दीजिएगा आंसर, इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण क्या है बढ़िया सा, वो है आपका SIGI, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर, आई से आएगा आपका इंटरफेस, है ना, आपका इंटरफेस होता है सिस्टम फॉर, सॉरी नॉट इंटरफेस, इंटरएक्टिव, है ना, सिस्टम फॉर इंटरएक्टिव, ये आपका गाइडेंस है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सिस्टम इंटरएक्टिव गाइडेंस इंफॉर्मेशन, सिस्टम फॉर मतलब, ठीक है, सिस्टम फॉर इंटरएक्टिव गाइडेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिगी किसके लिए काम आएगा, सिगी काम आएगा आपके यहाँ पर इंटरएक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, इंटरेक्शन होगा यहाँ पर सिगी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सिस्टम फॉर इंटरएक्टिव गाइडेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। 1973 के आसपास को बनाया गया था, 73-74 के आसपास, एंड इसके साथ आपको एक और नाम ध्यान रखना है, नाम नहीं मतलब सबहेडिंग में आएगा, वो क्या है CACG, ये क्या है कंप्यूटर असिस्टेड करियर गाइडेंस, यानी करियर गाइडेंस के लिए आपको ह्यूमंस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, काउंसलर के पास जाने की नहीं, कंप्यूटर ही आपको बता देगा CACG क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। उसी में एक और आता है आपका डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर क्या है, डिस्कवर भी एक इसी प्रकार का इंटरेक्टिव चीजें है, उसी के साथ एक और क्या है आपका सीगी। आई होप अभी आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एंड जब यहाँ पर कंप्यूटर आपका टेस्टिंग कर रहा है, अगेन क्या आ जाएंगे आपके आड़े, आपके आ जाएंगे एथिक्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, बनाई गई है चीज, वो क्या है द टेस्टिंग स्टैंडर्ड, द टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स नाम की बनाई गई है, किस किसने बनाया है इसको, एरा, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड आपका MCME, इन तीनों ने मिलकर बनाई है क्या द टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, किसके लिए, आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रही है उसके एथिक्स वगैरह गाइडेंस वगैरह को वहां पर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड बाकी फिर आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन से ज्यादा अच्छा करेगा, लेकिन कंप्यूटर हम हमेशा सही नहीं मानते, तो क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन असिस्टेड टेस्टिंग होती है और कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग होती है, इसको हमको क्या देखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए क्या बराबर हो रहा है क्या बराबर नहीं हो रहा है, और इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती है। लेकिन कंप्यूटर हमेशा सही नहीं होगा, एक्यूरेट हो सकता है लेकिन सही नहीं हो हमेशा, वो आप जानते हैं, है ना, आप कुछ टाइप करते हैं देता वो और कुछ है, तो आखिर वो मशीन ही है सीख रही है, तो वो सब के लिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी का थोड़ा मसला यहाँ पर हो जाता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जिस प्रकार से सवाल आएगा वो। बाकी आपका जो फैक्चुअल वाला था वो यहाँ से कवर हो गया है इस कंप्यूटर संबंधित चीजों के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर यहीं पर नहीं रुका, एक चीज आई है आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ना एडल्ट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं संज्ञानात्मक रूप से विक्षिप्तता यहाँ पर देखते हैं, इम्पेयरमेंट देखते हैं यहाँ पर, वो किस रूप में होता है कि आपको जो है जो चीज डेवलप की गई है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर माइक्रो कॉग, ये नाम ध्यान रखना है आपको, MICROCOG, माइक्रोकॉग नाम की चीज बनाई गई है, क्यों चेक करने के लिए, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट संज्ञानात्मक जो अक्षमता है उसको चेक करने के लिए, किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर ये बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होगा, हम सोच नहीं पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, याद नहीं रख पा रहे, ये सब चीजें जो हो रही है इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोकॉग का इस्तेमाल करते हैं, क्या है, अगेन ये कंप्यूटर असिस्टेड टूल हमारे पास है, ठीक है। तो प्रमुख तौर से क्या है आपके पास, सिगी देखा आपने, माइक्रोकॉग देखा, ठीक है, वो द टेस्टिंग स्टैंडर्ड देखे आपने, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टार्टिंग में जो आपको दो दो पॉइंट बताए थे वहां पर, दो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और दो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको वहां पर आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ओके, इस शॉर्ट एंड स्वीट से छोटे से लेक्चर में आपका स्वागत, मतलब स्वागत नहीं,
आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।